किसानों की अधिकृत जमीन का किसानों द्वारा कानूनी मुआवजे की जिद पर चलते अधर में लटके ग्रीन कॉरिडोर 152 डी नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य अब जल्द पूरा होगा। चार जिलों की पुलिस के साथ प्रशासनिक अमले ने करीब 4 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कार्रवाई की। इस दौरान विरोध करने पहुंचे किसानों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। हालांकि किसानों द्वारा प्रशासन पर जबरदस्ती कब्जा करने के आरोप भी लगाए। 152 डी का जो 4 किलोमीटर का स्ट्रेच था खातीवास गांव का, उसके ऊपर आज के दिन कब्जा कार्रवाई की जा रही है और ये शांतिपूर्वक तरीके से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उनसे मुलाकात हुई है, बातचीत भी हुई है और उसके माध्यम से हमने आर्बिट्रेशन कोर्ट का सहारा लेकर उसका मुआवजे को रिवाइज करने का भी प्रोविजन है, तो उसके लिए हमने उनसे मीटिंग की है बार बार और उनको रिक्वेस्ट भी की है कि वो जो है ना आर्बिट्रेशन के माध्यम से आ जाए और उस बातचीत को हम जारी रखेंगे। अगर वो आर्बिट्रेशन के माध्यम से आते हैं तो उनकी जो भी मांग होगी, जो भी उचित मुआवजा होगा, वो उनको दिया जाएगा। सर, नहीं, रोड जो है हमारा लगभग 90% के करीब कंप्लीट हो गया है, सागरमाला भारतमाला प्रोजेक्ट का, तो ये जो है रोड अब पूरा होने की कगार पे, तो ये स्ट्रेच बचा हुआ था तो इसके ऊपर जो है हमने कब्जा कार्रवाई की है। SDSDM सहित 7 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हाईवे निर्माण का कार्य शुरू करवाया गया। बता दें कि सरकार की ओर से 2018 में ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे 152 डी के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। कुछ गांव के किसानों ने सरकार पर उचित मुआवजा नहीं देने के आरोप लगाए। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत नेशनल हाईवे 152 डी जो कोटपूतली से कैथल तक जा रहा है, उसमें 90% कार्य हो चुका है। दादरी जिले के अंतर्गत खातीवास गाँव की 4.25 किलोमीटर का स्ट्रेच था जहाँ पे इसका कब्जा नहीं लिया था नेशनल हाईवे ने, और इसमें मुआवजे को लेके कुछ किसानों में था कि हमें मुआवजा कम मिला है, हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, बट वो काफ़ी मीटिंग्स हुई थी 2 साल से लगातार, प्रशासन उनसे मीटिंग कर रहा था, वो कन्विंस नहीं थे, बट फाइनली हमें इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाना था तो उनसे हमने बातचीत भी करी, 3-4 दिन पहले भी हमने बात करी थी, तो अभी बातचीत के दौर बंद नहीं हुए, उनसे लगातार मीटिंग जारी रहेगी। आज भी वो मिल रहे हैं DC साहब से और कब्जा कार्रवाई करके ताकि नेशनल हाईवे अपना काम स्टार्ट करे और ये जो प्रोजेक्ट है पूरा हो। ये बात नहीं है प्यार से, तो देखो उन्होंने पहले भी हमने काफ़ी कोशिश करी थी, उन्होंने नहीं माने थे, बट प्रशासन अपनी जगह पर ठीक था, ठीक है, आज भी प्रशासन ठीक है। कई बार लोग संतुष्ट नहीं होते हैं लेकिन उनको मनाने की कोशिश आगे भी करेंगे, हम उनके जो भी संशय होंगे कंपनसेशन को लेकर वो दूर करेंगे। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।